हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए फाइनली लेके आ गया हूँ मटन रोगन जोश। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रेस्टोरेंट में मटन रोगन जोश कैसे बनाते हैं। मटन रोगन जोश बनाने के लिए आपने ढेर सारी प्याज काटना है, जैसे कि मैं काट रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्लाइस करना। तो आपने प्याज को सबसे पहले स्लाइस करना है। कितना करना है? मैंने लिया है 1 किलो मटन, तो मैं 1 किलो मटन में 600 ग्राम प्याज डालने वाला हूँ। तो आप भी 600 ग्राम प्याज डालें मेरे कहने पे, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं मटन बनाने वाला हूँ लगान में, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत मस्त टेस्ट निकल के आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें डालना है सरसों का तेल 1 कप, और तेल को आपने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है, क्योंकि इसमें एक हीक होती है, उसको मारने के लिए तेल को अच्छे से गर्म करें। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, आपको मटन दिखाता हूँ कि मैंने कैसा मटन लिया है, और इसके लिए मसाले भी निकाल लेते हैं। आज का जो हमारा मटन है वो है 1 किलो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें देखिए 1 किलो मटन में मैंने 1, 2, 3 नली रखी है। तो आपने ऐसे नली जरूर रखना है रोगन जूस में। और ये देखिए, ये भी नली का हिस्सा है, ये भी 4 नली हो गई। तो ऐसा मटन आपने लेना है, और पीस ज्यादा छोटे छोटे ना कराएं। 1 किलो में आपने सिर्फ 18 पीस कराने। मैं इसमें मसाले डालने वाला हूँ, ये 4 तेज पत्ते, 7 हरी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 काली इलायची, 7 लौंग और 3 सिनेमन स्टिक। तो ये सारे मसाले आप निकाल के रख लें, इससे क्या होगा ना, आपके मसाले जलेंगे नहीं, क्योंकि तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा, आप एक एक करके मसाले डालेंगे तो मसाले जल सकते हैं। तो आपने ऐसे निकाल के रखना है और एक साथ तेल में डाल देना। अब ये देखिए, हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, इसने धुआं छोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें डालने हैं मसाले, और इनको ये देखिए ऐसे आपने चलाया, ये तुरंत ही चटक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म तेल है। उसके बाद आपने इसमें डालना है प्याज जो हमने काट के रखी थी, और प्याज को आपने अच्छे से लाल करना है। प्याज लाल होना बहुत ही जरूरी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लेकिन आपने ऐसे लगातार चलाते भी रहना है, इससे क्या होगा, आपकी प्याज जलेगी नहीं और बहुत ही अच्छा एक जैसा कलर आएगा। अब हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से लाल हो चुकी है, आपने भी ऐसे ही प्याज को लाल करना है। प्याज में कलर आना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से जब आपकी प्याज लाल हो जाएगी, तब आपने क्या करना है, इसमें आपने डाल देना है मटन। मटन डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून नमक, गैस करना है आपने फास्ट, और इसको अच्छी तरीके से भूनना है, जैसे कि मैं भूनना हूँ, अच्छे से भूने। मटन भूनना बहुत ही जरूरी है, और आपने गैस रखनी है फास्ट गैस में आपने अच्छे से मटन को भूनना है। मटन को आपने भून भून के टेस्ट निकालना है, और मुझे पता नहीं है कि आज से पहले आप कैसे रोगन जूस बनाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको वैसे बताने वाला हूँ जैसे कि हम रेस्टोरेंट और होटल में बनाते हैं। ऐसे मैं क्यों बताने वाला हूँ, अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करूँगा तो मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, उसमें होटल वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ देनी है, बोलना है शेफ आपने क्या बना दिया। इसके लिए मैं बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बताने वाला हूँ, एकदम ऑथेंटिक तरीके से। अब हमारा मटन बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। मेरे एक लड़के ने सवाल किया कि शेफ ये मटन कितनी देर भूनना है, तो मैं आपको बता दूं, आपने इतनी देर भूनना है, टाइम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम में क्या होता है ना, कभी आपकी गैस स्लो होती है, कभी फास्ट होती है। तो आपने इतनी देर भूनना है कि आपकी प्याज आधी गल जाए और आधी टुकड़े हो जाए। जैसे कि देखिए हमारी प्याज कैसे गल चुकी है और थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। तो आपने इतनी देर तक भूनना है जब तक आपकी प्याज आधी गल जाए। जब आपकी प्याज आधी गल जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, गैस करना है एकदम स्लो, और आपने इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कम से कम 3 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपने फिर से भूनना है, अच्छी तरीके से भूने, जैसे कि मैं भूनना हूँ।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, बस भूनते रहें। ये देखिए, जब आप इस तरीके से अच्छे से मटन को भून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद, तब आपने क्या करना है, गैस कर देना है एकदम स्लो, और आपने इसमें डालने हैं सभी मसाले। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आपने इसमें डालना है 2 पिंच हल्दी पाउडर। वैसे हम लोग डालते नहीं है, थोड़ी सी आप डालें, इससे क्या होगा ना, मसाले का कलर खिलके आएगा। तो आपने मसाले डालने के बाद क्या करना है, ऐसे ये देखिए तुरंत चलाना है, इस तरीके से हल्का सा ऐसे मिक्स करें जैसे कि मैंने किया, और आपने इसमें डाल देना है तुरंत 1 कप टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी डालने के बाद आपने ये देखिए अच्छे से इसको फिर से भूनना है। भूनना क्यों है, क्योंकि टमाटर प्यूरी में ना हल्का सा खट्टापन होता है, तो आपने उस खट्टेपन को खत्म करना है भून भून के। जैसे कि मैं भून रहा हूँ ना, ऐसे ही आपने भूनना है। जब आप इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे, तब आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है पानी, और पानी आपने गर्म डालना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छी तरीके से पानी डालने, कम से कम 2 लीटर डालें, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन 2 लीटर काफी है। फिर आपने ऐसे चलाया जैसे कि मैं चला रहा हूं, और ऐसे चलाने के बाद आपने इस पे लगाना है ढक्कन और आराम से पकने देना है कम से कम 1 घंटा। अब मैं आपको मटन दिखाने वाला हूं। दिखाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसको कितनी देर पकाया है। मैंने इसको पकाया है 1 घंटा 20 मिनट। मैं ये टाइम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना आपने 1 घंटा पकाना है, लेकिन मेरा मटन पकते पकते 1 घंटा 20 मिनट हो गए, मैंने इसको स्लो गैस में आराम से पकाया। अब आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत हुआ है। दिल थाम के बैठना, ये देखिए बहुत ही प्यारा मटन बन चुका है, और कलर का कोई जवाब नहीं है कितना अच्छा है। अभी से अभी तो इसमें बाकी है कलर लेना, लेकिन अभी भी इतना अच्छा आ गया। अब मैं आपको ये देखिए चला के दिखाता हूं, पहले बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अब एक चीज आपको दिखा दूं, वो चीज ये, इसकी थिकनेस देखिए आप कितनी प्यारी हुई है, जबरदस्त, मतलब मजा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या डालेंगे आपको दिखाते हैं। आपने लेना है एक बॉल, बॉल के अंदर आपने डालना है 1/2 कप दही। ये देखिए 1/2 कप दही में आपने ये डालना है जादू, ये है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन डालना बहुत ही जरूरी है मटन रोगन जूस में, तो आप ये देखिए थोड़ी सेफ्रॉन डाल दें। वाव, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। सेफ्रॉन डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1/2 से 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर। ये सारी चीजें आपने दही में डालना है, इनको ऐसे मिलाना है, देखिए इस तरीके से अच्छे से ऐसे फेंट लें, और ये आपने अब डाल देना है मटन के अंदर। इसके डालते ही मटन में कैसी चमक आएगी ना, बस मजा आ जाएगा आपको। और जो खुशबू आएगी ना, वो मैं मुंह से नहीं बता सकता, वो आपने मटन ऐसा बनाना है तभी आपको पता चलेगा कि क्या खुशबू आए। ये देखिए ऐसे चलाया जैसे कि मैं चला रहा हूं, वेरी नाइस। अब बात है इसके कलर की, कि और इसमें कैसे कलर आएगा, जैसा कि मटन रोगन जूस में होता है, तो आपको वो भी दिखा देता हूं। आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने डालना है देसी घी, कम से कम आप 1/2 कप डालें ना। अभी तक आपके मन में आ रहा होगा कि शेफ ने रोगन जूस बना लिया और देसी घी तो डाले नहीं, अब आपने डालना है 1/2 कप देसी घी। जब आपका घी गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालना है ये है रतन जोत, इसी से आता है कलर। ये देखिए ऐसे आपने डाला और इसको ऐसे चलाया, अब आपने देखा ना कलर कितना प्यारा आ गया। अच्छी तरीके से ऐसे चला लिया, ऐसे चलाने के बाद आपने क्या करना है, गैस को कर देना है बंद, और अब क्या करना है आपको बताता हूं। आपने देखिए ऐसे छन्नी लेना है, छन्नी के अंदर इसको डाल देना है, यह है तरीका डालने का। उसके बाद आपने इसको देखिए ऐसे मिक्स किया, अब आप इसका कलर देख रहे हैं ना, इसकी खूबसूरती देख रहे हैं ना, ये होती है मटन रोगन जोश की खूबसूरती, और इसका कलर और इसकी थिकनेस। अब इसका कोई जवाब नहीं है,
कितना प्यारा बना है, मैं बताने से आपको नहीं बता पाऊंगा। आप जब बनाएंगे तब आपने मुझे ये चीज बतानी है। अब ये पिकअप है, तैयार है बॉल में डालने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ये देखिए क्या कलर है, मुझे तो बहुत मजा आ गया बना के और इसका कलर देख के। अगर आपको भी मजा आया है तो आपने क्या करना है आपको पता है, मुझे बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी गार्निश क्या रहेगी होटल में, जो इसमें हम लोग डालते हैं वो है ये जूलियन जिंजर और देसी घी, और आप इसमें हल्का सा ऐसे ये देखिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं उड़ता हुआ। जब ये गेस्ट के पास जाएगा तो बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ जाएगा, आपको भी मजा आएगा और गेस्ट को भी मजा आएगा, क्योंकि गेस्ट को आपका खाना पसंद आएगा, इसलिए आपको मजा आने वाला।